नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज मैं पंजाब की विजिट पे था तो मैंने सोचा आपको फार्म दिखाऊं। तो एक बढ़िया सा फार्म है जिस पे मैं पहुंचा हुआ हूं। वैसे गाय लेनी थी इसीलिए मैं आया हुआ था, एक भाई को उसके साथ में आया था। तो आप देख सकते हैं ये साइलो फिट बनाए हुए हैं, कच्चे में बनाया हुआ है, कोई पक्का वैसे बनाया हुआ नहीं है। अभी ख़त्म हो चुका है आधा, अभी थोड़ी बारिश हुई आज सुबह सुबह, तो आपको कीचड़ जैसा दिखेगा थोड़ा बहुत। तो ये अभी जिसमें से शुरू है वही साइलो फिट आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से उन्होंने लेयर पे लेयर लगाए हुए हैं, एक के बाद एक वैसे बढ़िया। और यहाँ हरा चारा अभी है नहीं, तो उस साइलेज सभी गायों के लिए, बछड़ियों के लिए, सभी के लिए सैगल डेयरी फार्म करके डेयरी फार्म है। आप देख सकते हैं शेड भी, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा शेड बनाया हुआ है। तो दोस्तों मैं तो पहली बार पंजाब आया हुआ है, तो देखते हैं आगे आगे घूमेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरीके से गाय रखते हैं। वैसे कोई बड़ा मतलब गुजरात के हिसाब से कहेंगे तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ के लिए कोई बड़ा है नहीं। आप देख सकते हैं कि क्यूबिकल भी लगाए हुए हैं और क्यूबिकल में बैठी हुई है गाय, अच्छी तरीके से इसको खाना है वो खा सकती है, साइलेज खा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी साइलेज अभी डाला हुआ है, काफ़ी मतलब इनको जितना खाना है उतना फुल डाल दिया है नाद में। आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब खाने के बाद अभी बैठी हुई है गाय और कुछ कुछ खा रही है। अब फीड भी देख सकते हैं, फीड बीच में ही रखते हैं ताकि सीधा यहाँ से साइलेज में ऐड हो जाए और साइलेज और फीड दोनों मिक्स करके खिलाते हैं। मिल्किंग मशीन भी लगा हुआ है। पंजाब में आप देख सकते हैं कि पंजाब के हिसाब से तो कोई बड़ा फार्म है नहीं, लेकिन गुजरात के हिसाब से मैं कहूँ तो बड़ा फार्म है दोस्तों। तो हम आगे आगे जाएंगे और अभी उनके मालिक है वो है नहीं, इसलिए हम उनका इंटरव्यू के साथ वीडियो नहीं ले सकते, लेकिन मैंने सोचा कि आपको फार्म तो दिखा दूँ। तो ये लेबर काम कर रहे हैं सभी, गोबर का काम चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में